नेम इज लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है लोकेश नागर और अपन जैसे देख चुके हैं कि बी के बाद क्या क्या आ सकता है। पिछले दो वीडियोज देखे अपन ने कि बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी कैसे आता है, बी के बाद एडजेक्टिव कैसे पता करते हैं, बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली कैसे पता करते हैं, बी के बाद एडजेक्टिव कैसे आता है, बी के बाद टीवी की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, ये सब अपन देख चुके हैं पहले। तो आज अब सब कुछ देख चुके तो उसकी प्रैक्टिस तो कर ले, क्यों उसकी एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो पढ़ ही पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो लगा ही नहीं रहे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देख लेते हैं आज अच्छे से, पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे क्या आता है ना। और जिसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, आज पहली बार विजिट किया हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो चेक करें। आपको इंग्लिश जो है वो अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको। और करंट अफेयर मैं डेली के डेली डाल रहा हूँ, उनको भी देखा करें आप, ठीक है। टाइम पर डालता हूँ, 5 से 5:30 बीच में रोजाना की करंट अफेयर डाला हूँ। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है ना, जो किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, वो सारे मैं कवर करता हूँ विद जी के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश का लेक्चर, बी की एक्सरसाइज। पहला एग्जांपल, वी शुड ब्लैंक स्पेस कन्वर्ट अवर डिजायर। यहाँ पे कुछ आ सकता है क्या, देखो बताया मैंने है ना। शुड क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ग की फर्स्ट मॉडल, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो लगाने कुछ भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये भी देख लो, ये क्या है, अवर डिजायर क्या है, ऑब्जेक्टिव। कन्वर्ट क्या है, टीवी है, क्यों, क्योंकि जस्ट वर्ग के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के वर्ग के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो टीवी का ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट दो चीज़ का होता है, या तो प्रीपोजिशन का या फिर टीवी का, तो यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई विल ब्लैंक स्पेस केयरफुल अबाउट माई ड्यूटीज, पूरा खोलते हैं। आई सब्जेक्ट विल मॉडल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे विल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कहीं दिख रही है आपको, ये तो ये केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता करते हैं एडजेक्टिव, तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम केयरफुल हो, केयरफुल तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम केयरफुल हो, बोलने में सही लगा, तो इनके क्या है, एडजेक्टिव। अब विल के बाद एडजेक्टिव कभी नहीं आ सकता, क्योंकि विल के बाद एडजेक्टिव कभी नहीं आता, विल के बाद केवल एक ही चीज़ आती है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी जब यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और एडजेक्टिव अपन को पता है किसके बाद आता है, एडजेक्टिव आता है बी के बाद, पिछले वीडियो में देखा एडजेक्टिव आता है बी के बाद, बी के बाद आता है, तो बी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अपन ने बी लगा दिया। अब जैसे बी लगाया आपको पता चला, अरे वाह यार सारा काम हो गया, विल के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मिल गई और एडजेक्टिव के हिसाब से बी भी मिल गया, है ना, विल के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मिल गई और एडजेक्टिव के लिए बी भी मिल गया, तो पूरा सेंटेंस कवर हो जाएगा। ये तो इसके लिए हो जाएगा, एडजेक्टिव बी यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में गई, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन, और पूरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो ही चीज़ का होता है, या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर टीवी का होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन का या फिर टीवी का। ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। आगे देखते हैं, इट विल बी ब्लैंक स्पेस अवेलेबल एट एवरी जनरल स्टोर। अब इसकी पूरी देखते हैं, यहाँ पे बिल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे आपको कहीं पे नहीं दिख रही, अवेलेबल क्या है, एडजेक्टिव है, कैसे पता पड़ा, इसको बोलो एडजेक्टिव है यानी, कैसे पता करते हैं, बोलो कैसे, सब बोलो कैसे बोलते हैं, तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम अवेलेबल हो, बोलने में से लगा यानी कि एडजेक्टिव है, तो कितना ईजी है ना, आराम समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव है, कैसे, तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम एडजेक्टिव हो, जो कि एडजेक्टिव आ रहा है। अब बिल के बाद एडजेक्टिव तो कुछ आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बिल के हिसाब से देखो और इसके हिसाब से देखो, इसके देखोगे तो इसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और इसके साथ देखोगे तो यहाँ पे बी आनी चाहिए, और बी की कौन कौन सी फॉर्म वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होती है, ओनली बी होती है, तो यहाँ पे बी लगा दो। बी में क्या कहता है, इज एम आर वाज वर बी बीन और बीइंग, है ना, इनमें से क्या चीज लगा सकते हैं, ओनली यहाँ पे बी लगा सकते, क्योंकि इज एम आर तो विल के बाद इज एम आर नहीं लग सकता, बीन ले सकता है, बीइंग नहीं लग सकता, क्योंकि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगेंगी वो बी लगेगी, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दिस प्रोडक्ट ब्लैंक स्पेस पॉपुलर ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अभी आप ऊपर देख लें, ये एवरी जनरल स्टोर क्या हो जाएगा, ये एवरी एट क्या है, प्रीपोजिशन, और एवरी जनरल स्टोर क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोर क्या है, नाउन है, जनरल क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है, और एवरी क्या है, एक डिटर्मिनर, जिसको अपन ऐसे यूज कर लें जैसे एडजेक्टिव, डिटर्मिनर क्या होते हैं, एक तरह से डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, एक तरह से एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो जनरल है ना, ये स्टोर की विशेषता बता रहा है, तो जनरल क्या हो जाएगा, एक तरह से नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव है लेकिन ये मतलब क्या, जनरल स्टोर है ना, ये नाउन है, ठीक है, नाउन है, तो नाउन की नाउन ही एक नाउन की विशेषता बता रहा है, ये स्टोर कौन सा है, जनरल स्टोर है, स्टोर कौन सा है, जनरल स्टोर, यानी कि एक तरह से विशेषता बता रहा है ना, एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है, तो कैसे काम कर रहा है, एक तरह से ये जनरल के एडजेक्टिव जैसे काम कर रहा है, और एवरी क्या है, एक डिटरमिनर है, इसको अपन ऐसे भी याद कर लेंगे, मतलब ऐसे एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है ना, तो एवरी पहले लगा हुआ है, उसके बाद नाउन नाउन की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव जैसे काम कर रहा है, तो पूरा खोलो सेंटेंस, अच्छे समझ में आने लग जाएगा आपको। अगला देखते हैं, दिस प्रोडक्ट ब्लैंक स्पेस पॉपुलर ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोडक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, वो पॉपुलर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, कैसे पता चला,
पेड़ो तुम पॉपुलर हो, तो ये एडजेक्टिव आ रहा है। और दिस प्रोडक्ट पॉपुलर, इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता। एडजेक्टिव का पता है अपन किसके बाद आता है, बी के बाद ही आता है, तो यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। बी लगाना पड़ेगा तो डायरेक्ट बी थोड़ी नहीं लगा सकते, क्योंकि बी लगाओ तो सेंटेंस ही गलत है। यहाँ पे ऐसी चीज लगाओ जो इसके लिए भी सही हो और इसके लिए भी सही हो। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर है तो इज लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं, ठीक है। बी तो लगा नहीं सकते क्योंकि बी तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ की वर्ग की फर्स्ट फॉर्म की तो डिमांड ही नहीं है, मांग ही नहीं है यहाँ पे बी की वर्ग की फर्स्ट फॉर्म की, तो यहाँ पे डिमांड है बी की। और बी की कोई सी फॉर्म लगा दो, इज एमर वाज वर बी बी बीन में से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे या फिर वाज लगा देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बी हो जाएगा, इसके हिसाब से बी के बाद एडजेक्टिव सही है, ठीक है। और ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा, द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये जो द वर्ल्ड है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो इज क्या है, बीच के बाद ये पॉपुलर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेंटेंस यहाँ पे इज लगाने पे सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द ट्रेन में ब्लैंक स्पेस लेट बाय 6 आवर्स। अब ये जो मे है ना, मे क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये मॉडल हो जाएगी, इसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही, कहीं पे नहीं दिख रही। और ये जो लेट ये है एडजेक्टिव है, कैसे पता चला, एडजेक्टिव किसे पता चला, तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम लेट हो बोलने में से लगा, यानी कि एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव आ रहा है इधर से, मॉडल आ रहा है, तो एडजेक्टिव किसके बाद आता है, सबको पता है एडजेक्टिव आता है बी के बाद, यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा, और इसके हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, इसके हिसाब से बी लगाओ, तो इसके हिसाब से बी तो इजे मार वाज और कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इजे मार वाज और बी बिन कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसी हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से बी सब कुछ मतलब बीच का बेटर, तो इसके हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसके हिसाब से ये बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इजे मार डाल देते, वाज डाल देते, इसके हिसाब से इजे मार वाज, यहाँ पे सही थोड़ी ना होता है मे के लिए, मे का तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जो कि बी है ओनली, बी के जो केस है सारे। बी में क्या होता है, बी में कौन कौन से होते हैं, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, बी होता है, बीन होता है, और बींग होता है, सारे। इनमें से कौन सी चीज़ आ सकती है, ओनली ये बी सही बैठ रही है यहाँ पे, है ना। अगला देखते हैं, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी, अब यहाँ पे बी लगेगा, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि कैन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म डालनी, जो कि इन सब में से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के लिए बी है ना, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म डाल दी। अब कैन नॉट बी करेक्ट है, करेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है ना, अब आप बोलोगे कि करेक्ट तो दो चीज़ें होती है, एक तो टीवी भी होती है करेक्ट, क्योंकि सही करेक्ट वर्ब होती है, यानी सही करना, ठीक है। एक तो सही करना वर्ब, करेक्ट क्या हो जाएगी, वर्ब, उसका मतलब होता है सही करना, और करेक्ट हो जाएगा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है सही, है ना, करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट। तो यहाँ पे स्टिकर मेथड से करेक्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि एडजेक्टिव। यहाँ पे वर्ब नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, आपको अगर यहाँ पे वर्ब डाल दोगे, आगे ऑब्जेक्ट नहीं मांगेगा क्या, आपकी जो टीवी है करेक्ट क्या है, टीवी, आगे ऑब्जेक्ट नहीं मांगेगा क्या, मांगेगा ना, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे टीवी की वर्ब की तो बात हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, ओनली एडजेक्टिव की बात होगी, किसकी, एडजेक्टिव की, ठीक है। वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को स्लो करके देखो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बी लग जाएगा, बी प्लस एडजेक्टिव, तो इसके हिसाब से बी प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके कैन के बाद वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे बी लगेगा, ठीक है, इसके हिसाब से बी हो जाएगा एडजेक्टिव के लिए। आगे देखते हैं, द टीचर मे अनॉयड, अब मे के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो आपको कहीं नहीं दिख रही, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के लगाओ यहाँ पे, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या, अनॉयड क्या है, एडजेक्टिव है, अनॉयड क्या, एडजेक्टिव, कैसे पता चला मुझे, अनॉयड एडजेक्टिव कैसे पता चला, जो मैंने बताया था ना, टीवी की थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव, है ना, तो ये टीवी की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है। इस हिसाब से एडजेक्टिव किसके बाद आता है, बी के बाद आता है, तो यहाँ पे बी लगाओ, बी की कोई सी फॉर्म लगा दो, बी की कोई सी फॉर्म लगाओगे इसमें, बी की इज एमआर वाज और बी बी इनमें से कोई सी फॉर्म लगाओगे, ये शुरू के तो लगाओगे नहीं, ये लास्ट में नहीं लगाओगे, ये लगाओगे क्यों, क्योंकि अपन को वर्ग की फर्स्ट फॉर्म भी तो चाहिए, ये इनमें से कोई भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, केवल यही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म डाल दी, इसके हिसाब से एडजेक्टिव डाल दिया। और विद के हिसाब से ये विद क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, प्रीपोजिशन का यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विद क्या है, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है, तो प्रीपोजिशन का या फिर टीवी का, ठीक है। आगे देखते हैं, द गेस्ट में ब्लैंक स्पेस कमिंग बाय बस, ठीक है। अब मे क्या है, वर्क की मॉडल है, मॉडल वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कमिंग क्या है, वी फोर्थ है, वो आई एन जी वाला। अब मुझे पता है कि आई एन जी वाली फॉर्म वर्ग की किसके बाद आती है, बी के बाद ही आती है। अब बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, होती है इज एम आर वाज वर बी बी बीन। अब यहाँ पे कौन से लगेगी, यहाँ पे आपको पता है क्योंकि मॉडल है लोकेश नगर, यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही है, वो इज एम आर वाज वर तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है नहीं है, बीन भी नहीं है, और बींग भी नहीं है, ओनली बी है, तो यहाँ पे बी लगेगा लोकेश, सही है ना। इसके हिसाब से बी हो जाएगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, और इस हिसाब से बी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की फोर्थ फॉर्म आती है बी के बाद, है ना, बाय बस, ये बाय हो जाएगा प्रीपोजिशन, बस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये बी कमिंग बी प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा, बी प्लस वर्ग की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडल, मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं, दिस चैनल में अब यहाँ पे मे भी सुटेबल फॉर यू, अब यहाँ पे बी आएगा, कैसे पता चला आप तो समझ में आ रहा है ना आपको, मैं लिख सकता हूँ आराम से क्योंकि मे के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में डाल दी है। और सुटेबल क्या है, एडजेक्टिव, कैसे पता चला मुझे एडजेक्टिव कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हो, बोलो बोलो कैसे पता करते हैं, देखते पकड़ो, तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम सुटेबल हो, है ना, तुम गोड़ो तुम बेड़ो तुम सुटेबल हो, तो इस हिसाब से सुटेबल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एक और मेथड बताया था मैंने एडजेक्टिव का, क्या बताया था, वो स्टिकर मेथड। स्टिकर मेथड में क्या करते हैं अपन, जैसे उस एडजेक्टिव को किसी भी नाउन के पहले लगा देते हैं, जैसे सुटेबल चेयर, सुटेबल बस, सुटेबल कार, है ना, तो ये क्या है इसकी कार की विशेषता बता रहे हैं सुटेबल वर्ड, तो ये सुटेबल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये बी हो जाएगा इसका पहले लग जाएगा, तो बी प्लस एडजेक्टिव सही है, और मे के साथ जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इसे सही है, और फोर क्या है प्रीपोजिशन, और यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट, और दिस चैनल क्या है सब्जेक्ट, है ही सही, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा ना आपको, वो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने अभी बी का पूरा बताया। बी के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और एडजेक्टिव कौन कौन से, सिमिलर एक तो सिंपल एडजेक्टिव वाले, जैसे तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम कॉन्फिडेंट हो, है ना, तुम गरीब हो तुम अमीर हो, है ना, ये सब क्या है सिंपल एडजेक्टिव। और दूसरे एडजेक्टिव क्या होते हैं, टीवी की थर्ड फॉर्म, जैसे अभी बताया था मैंने एक एडजेक्टिव बताया था, क्या बताया था, ये देखो यहाँ पे अनोइड वाला एडजेक्टिव बताया था ना मैंने, अनोइड, ये अनोइड नाराज, तो टीचर मे नॉट बी अनोइड, अनोइड नाराज, है ना, तो ये टीवी के थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव हो जाएंगे, है ना, टीवी के थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये सिंपल वाला एडजेक्टिव। और बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है, लेकिन नाउन ऑफ आइडेंटिटी में भी सिंगुलर और काउंटेबल हो तभी उसके उससे आगे आर्टिकल लगेगा, लेकिन अनकाउंटेबल हो तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता। अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो उसका जो मीनिंग है ना बदला हुआ होगा, बदला हुआ होगा ना, क्योंकि बताया था मैंने जो सक्स है उसका वो अनकाउंटेबल है, फायर एक अनकाउंटेबल है, लेकिन जैसे उसके आगे ए लगाए फायर के, तो हो जाएगी एक आगे घटना जो कि काउंटेबल बन गई, एक नाउन ऑफ आइडेंटिटी बन जाएगी, एक तरह से एक सब्जेक्ट की तरह काम कर लेगी, है ना। वैसे मैंने एक बताया था असक्सेज, है ना, असक्सेज यानी कि असक्सेज यानी एक सफल व्यक्ति भी होता है एक सफल प्रयास भी होता है, सक्सेज एक अनकाउंटेबल, लेकिन आर्टिकल लगने पर वो काउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्लो करके देखो क्योंकि सिलेबस तो वीडियो ज़्यादा खींचते आप लोग देखते नहीं हो, ऐसे पता नहीं क्या, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि लोकेशन तुम वीडियो को खींच सकते हो, आधे घंटे का वीडियो कर सकते हो, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि ये चीज़ ऐसे पढ़ाओ, ये चीज़ इसके 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 लिए ये चीज़ सही है, हमें समझ भी नहीं आता, थोड़ा स्लो करके पढ़ाओ, तो आप जैसे मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आज के देखते हैं वन वर्ड क्या है, एफिनेट, एफिमिनेट यानी स्त्री स्वभावी, जिसका स्वभाव स्त्री के जैसा हो, एफिमिनेट यानी स्त्री स्वभावी, ये वन वर्ड हो जाएंगे आज के, स्त्री स्वभावी एफिमिनेट। एपिक्योर यानी स्वाद लोप हो, जिसको खाने पीने की बड़ी इच्छा हो, खाने पीने पर पूरा ध्यान रहता हो, मस्त रहता हो, खाता पीता हो, एंजॉय करता हो जिंदगी, वो क्या हो जाएगा एपिक्योर हो जाएगा, स्वाद से लोप हो जाएगा। एक्साइल सभी जानते हैं, निर्कासित या देश से निर्कासित या किसी घर से निर्कासित हो, निर्वासित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्साइल। फिश मॉगनर यानी मछली को बेचने वाला, जो मछली को बेचता है कमाता है ना उससे अपना घर बार चलाता है, वो क्या हो जाएगा फिश मॉगनर हो जाएगा, ठीक है। बात करें आइटम फ्रेज कौन कौन से हो जाएंगे, तो टू मेक नो बोन्स अबाउट इसका मतलब हो जाएगा बेझिझक, टू मेक नो बोन्स अबाउट बेझिझक हो जाएगा। हेड्स विल रोल यानी इसका मतलब हो जाएगा लोग नौकरी से हटाए जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा लोग नौकरी से हटाए जाएंगे। टू मेक बीस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन बीस्ट हो जाएगा, किए हुए अपराध को दूसरे के सामने खुलासा करना, मतलब किसी ने कोई गलती करी है सामने जाके बता रहा है कि हाँ मैंने गलती करी, उसे मान रहा है वो, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब टू मेक अ क्लीन बीस्ट ऑफ। अगला देखते हैं टू कीप अप विद, ये अपन सभी जानते हैं टू कीप अप विद, बराबरी करना है ना, टू कीप अप करना है नहीं बराबरी करना। लास्ट देखते हैं कैच 22 सिचुएशन यानी भ्रम की स्थिति, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैच 22 सिचुएशन, तो ये हो जाएंगे अपने बी, आपने पूरा कवर कर लिया, इसमें भी आपने देखा कि बी के बाद एडजेक्टिव आता है, बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता है, बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है, बी के बाद टीवी आता है, सब कुछ अच्छे से बता रहा हूँ यार। आप लोग है ना अपने जो वीडियोस देखते हो इसको शेयर किया करो अपने ग्रुप्स में, ताकि है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जी जान लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल पर ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट को तो इतना तो कर सकते हो, मैं क्योंकि अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, है ना, जिसकी इंग्लिश वीक है या करंट अफेयर पढ़ना चाहता हूँ करना चाहता हूँ उसके साथ चैनल को शेयर करो, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना हो तो अच्छे से वो देख सके सारी चीज़ें, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।